इस किताब का स्वागत करें। कश्मीर और कश्मीरी पंडित, बसने और बस बिखरने के 1500 साल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच अब प्रकाश केले को देती हूँ कि वो आगे बातचीत बढ़ाए। राजकमल की तरफ से मैं सब आप सभी का स्वागत करता हूं और ज्यादा समय इधर उधर नहीं करते हुए मैं मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोग भी अपना मन कुछ बना लें, कोई सवाल जवाब भी हो, कुछ थोड़ी और भी बातचीत हो। और कश्मीर के बारे में मेरा जो एक एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जब मैं एक न्यूज एजेंसी में काम कर रहा था तो सुबह से जब खबरें आती थी कि मुठभेड़ हुई, कोई मारा गया, कुछ हुआ, हत्या हुई, तो जब हम अपने एडिटर के पास जाते थे कि ये खबर आ रही है, इसको बना दें क्या, आगे चला दें क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं रुको, शाम तक ऐसी कई खबरें आएंगी। तो होता ये था कि एक प्रोफार्मा जैसा बना हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जगहों के नाम थे कि बारामूला है, अनंतनाग है, ये है, वो है, और आप शाम को फाइनल जो करते थे कि आप ये बताते थे कि यहाँ ये घटना हुई, यहाँ ये घटना हुई, इतने लोग मारे गए, और लास्ट में आप भेज देते थे। तो उस पत्रकारिता के उस असंवेदनशीलता के साथ मेरा कश्मीर के साथ जो है मेरा परिचय होता है। और मैं समझता हूँ कि हिंदी पट्टी में कश्मीर के बारे में जितनी भी चर्चा हुई हो वो चर्चा उसमें तथ्य, सूचनाएं, विश्लेषण, विचार जो है वो मुझे लगता है कि बहुत कम रहा है। और अशोक की ये दोनों किताबें, कश्मीर नामा और आज जो विमोचित हुई किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित, उस डिबेट में, उस विमर्श को एनरिच करने में बहुत बड़ा योगदान इन दोनों किताबों का है। और मैं इसके लिए अशोक को बधाई देता हूँ। और मैं अशोक से ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि एक तो चलिए लेखक अपने हिसाब से एक विषय चुनता है और उस पर काम करता है, और इतना लंबा काम करना, इतनी मेहनत से करना, लेकिन वो क्या चीज़ रही कि उन्होंने कश्मीर को चुना, और क्यों जरूरी है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि कश्मीर पर अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें हैं, हम उसको अनुवाद करके भी उस कमी को पूरी कर सकते हैं, अगर जरूरी नहीं है कि हिंदी में ही लिखी जाए, नए सिरे से लिखी जाए। तो मैं अशोक से तो पहले ये पूछूंगा कि ये चयन और इसके प्रोसेस के बारे में कुछ हमें जानकारी दें। प्रकाश से 2 मिनट माफी के साथ मैं अतिथियों से आपका परिचय कराता हूँ, क्योंकि वो मैं ही करा सकता हूँ इसलिए मैं करा दूँ। मेरे बिल्कुल बगल में कुमार वांचू साहब बैठे हैं, मिसेस कुमार वांचू और अमित वांचू। कश्मीर का इतिहास जिन लोगों ने कश्मीर नामा पलटी होगी उसमें मैंने लिखा भी है और कश्मीर इतिहास देखा होगा। पंडित हृदयनाथ वांचू वहाँ के एक बहुत ही कर्मठ ट्रेड यूनियन नेता थे, समाजसेवी थे और लगातार वहाँ सक्रिय थे। और 90 में जब मिलिटेंसी का दौर चलता है तो उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, ये वो जगह नहीं है वो डिस्कस करने के लिए। और वो हत्या की गई, उसके बाद सभी को लगा था कि वांचू परिवार तो अब यहाँ से चला ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कुमार साहब वहाँ रहे, अमित उस समय, अमित के ढेरों किस्से सुने हैं अलग से बैठ के इंटरव्यू के समय, कभी दोस्ताना गपशप में, कि पूरा बचपन कैसे, वो टेंस बचपन जो होता है कि आपके घर में एक मर्डर हुआ है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में इतना सारा कुछ लगातार चल रहा है, वहाँ के टॉप मोस्ट स्कूल टिंडल बिस्को से पढ़े हुए हैं अमित, डॉक्टर हैं। और लेकिन इसके बावजूद ये परिवार वहाँ पर है और अमित लगातार वहाँ के जो सोशल इश्यूज हैं उनको लेकर लगातार सक्रिय हैं। एम्बुलेंस सर्विस है इनकी, वहाँ जो फिल्में बनती हैं, तमाम सारी फिल्में जो आपने देखी होंगी उनके वहाँ पर शूटिंग में अमित ने कोलाबरेट किया है, विदेशों में जाते रहते हैं और बेहद सक्रिय हैं वहाँ पर। और इस परिवार को मैं जिस तरह से ढूंढते हुए पहुंचा था वो अपने आप में कहानी है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मुझसे किसी ने कहा कि वांचू परिवार से आपको जरूर मिलना चाहिए, मैंने कहा यार पढ़ा तो था, वो अभी भी है यहाँ पे, तो लोग बोले हाँ है, तो कैसे जाऊं यार, जवाहर नगर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये तो एग्जैक्ट नहीं पता है। तो मैंने ऑटो किया और मैं जवाहर नगर पहुंच गया, 2-3 हम लोग थे, हम लोग जवाहर नगर पहुंच गया। वहां जिस पहले आदमी से मैंने पूछा वो इनके घर पे लेके गया। और अगले दिन, उस दिन तो मैम से मुलाकात हुई थी, अगले दिन जब कुमार साहब से मुलाकात हुई तो कुमार साहब ने एक ऑटो कराया कि ये आपको छोड़ देगा, उस ऑटो वाले ने किराया नहीं लिया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, और मेरे लिए बहुत
खुशी और गर्व दोनों का मामला है। जब मुझे मालूम चला कि कुमार साहब आ रहे हैं, मैं चाह रहा था कि यहाँ पर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इनसे भी थोड़ी सी बातचीत आप जरूर करें। बहुत सारी चीज़ें जो इनको पता है मुझे नहीं बता हो सकती है, मैं आधार किताबें पढ़ने के बावजूद। कश्मीर से जो मेरी मुलाकात थी वो बड़ी सडन सी मुलाकात थी। LTC गवर्नमेंट दे रही थी, सारे लोग भाग भाग के जा रहे थे कश्मीर घूमने के लिए, क्योंकि हवाई जहाज का किराया मिल रहा था। तो मैं भी पहुंच गया घूमने के लिए। वहां मेरे एक दोस्त थे, वो आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे रुकने की और बाकी सबकी व्यवस्था की हुई थी। और एक गाड़ी और ड्राइवर था जो मुझे घुमाया करता था। वो ड्राइवर बहुत वाचाल ड्राइवर था, बहुत बोलने वाला ड्राइवर था। तो वो लगातार मुझे किस्से सुनाया करता था, जैसे पूरा घाटी घुमा लिया, फिर बोला कि आपने शेख साहब की मजार देखनी है। मैंने कहा बिल्कुल देखनी है। तो फिर वो वहां लेके चला गया। यूनिवर्सिटी के अंदर जाना, मैं ले चल सकता हूँ। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ले गया, दो चार लोगों से मिलवाया। फिर कहीं जाते हुए उसने कहा कि यहाँ मेरा गांव है, आप गांव में चलोगे? एक राइटर के लिए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं गांव में गया, लोगों से बातचीत की, तो पहली बार एक इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ कि नहीं यार, जो हम जानते थे, जो प्रकाश केरे जैसे दोस्त जो रिपोर्ट कर रहे थे, कश्मीर सिर्फ उतना नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो लौटते हुए गुलशन बुक डिपो पे मुझे कुछ गुलशन बुक डिपो का तब एयरपोर्ट पे एक बुक स्टॉल हुआ करता था, अभी तो खत्म हो गया है। तो वहां से मैंने कुछ किताबें उठा ली और वहां से वो प्रोसेस शुरू हुआ। फिर बार बार कश्मीर जाना, वहां लोगों से मिलना और किताबें पढ़ना और किताबें पढ़ना, और फिर कश्मीर नामा आई। लेकिन कश्मीर नामा लिखते हुए भी मैंने, बल्कि उसमें बार बार ये कहा भी है और बाद में बातचीत में भी कहा, कि कश्मीरी पंडित का सवाल कश्मीर नामा के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता था, एक एक पूरे के साथ हो सकता था। मैं चाहता था कि कश्मीरी पंडित को लेकर जिस तरह के दोनों तरह के एक्सट्रीम चलते हैं, एक एक्सट्रीम चलता है जिसमें विलन बना दिया जाता है, एक एक्सट्रीम चलता है जिसमें हीरो तो नहीं बनाया जाता है लेकिन उनको एक ऐसा विक्टिम बनाया जाता है जिसके आड़ में सारे धत्कर्म जो है उसको आप सही साबित कर दीजिए। मतलब किसी ने अगर मुझे बाहर एक थप्पड़ मार दिया और आप उससे पूछें कि तुमने अशोक को थप्पड़ क्यों मारा, तो वो आपसे कह सकता है जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तब तुम कहां थे। इस तरह का उसको बनाया गया। मैं चाहता था कि पूरी हिस्ट्री में वो लोकेशन देखा जाए कि एक तो मिनिस्क्यूल, पहले तो आप हिंदू वहां पे आबादी होती है, वहां आप होते हैं, फिर इस्लामाइजेशन होता है, धीरे धीरे आप एक मिनिस्क्यूल आबादी में तब्दील हो जाते हैं, लगातार बाहर से राज होते रहते हैं, मुगल आते हैं, मुगलों के बाद अफगान आते हैं, एक मिनिस्क्यूल आबादी है। आपके पास एक ही चीज है, पढ़ाई लिखाई, जिसके बेस पे आप नौकरी पा सकते हैं और समाज में थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वो इतनी महत्वपूर्ण बनती है कि वहां पे सेंसस में कश्मीरी पंडितों का जो रोजगार था उसको सरकारी नौकरी लिखवाया गया। और फिर उसके इर्द गिर्द जिस तरह के संघर्ष चलते हैं, उनसे वो कौन सी स्थितियां थी कि 1947 में एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है कि एक कश्मीरी पंडित जो श्रीनगर में रहता है या कश्मीर में रहता है, वो इस देश के बहुसंख्यक का हिस्सा है, भारत देश के बहुसंख्यक हिंदू धर्म का हिस्सा है, लेकिन राज्य के अंदर वो एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है। तो ये जो द्वंद्व शुरू होता है वो कैसे शेप लेता है, 1947 के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और उसके बाद 90 जो है क्यों होता है, ये मेरा सवाल था। लेकिन इसी बीच में मुझे पता चलते हैं, तो फिर मुझे लगा कि जो उस समय नहीं गए थे उनके वहां क्या हालात हैं, जिसको आपने कहा था मिनी मिनिस्क्यूल, जो माइक्रो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी जो वहां पे है, जो दिखती ही नहीं है। आप पूरा कश्मीर घूम के आ जाइए, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपको कोई कश्मीरी पंडित दिखेगा ही नहीं। तो वो माइनॉरिटी वहां रहते हुए इन तमाम सारा जो उतार चढ़ाव चल रहा है, इस पूरे उतार चढ़ाव में वो उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करती है, किस तरह से बच के रहती है, उसके अपना फ्यूचर उसका वहां पे क्या है, ये सारे मेरे पास सवाल थे जो किताबों से हल नहीं हो सकते थे, जिसके लिए समझ में आया वो मैंने लिखा। एक मेरे मित्र हैं, कश्मीरी पंडित हैं, फिल्म मेकर हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट ये समझने में है कि जो हिंदी का पूरा परिवेश है उसमें कश्मीर और कश्मीरी पंडित, इनके विमर्श को कैसे कहाँ प्लेस किया जाए सही तरीके से। तो वो ये कहते हैं कि एक तरफ ये हुआ कि एक पॉलिटिकल ग्रुप ने हमें पॉलिटिकल इशू के रूप में यूज किया, लेकिन हम वोट बैंक नहीं है इसलिए हमारे इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं किया गया। एक और कश्मीरी पंडित प्रोफेसर मट्टू का मैं कोई इंटरव्यू पढ़ रहा था, हाँ अमिता मट्टू का, प्रोफेसर मट्टू का, उसमें उन्होंने कहा कि बशारत पीर की किताब और इनकी राहुल पंडिता की किताब, इन दोनों किताबों के बीच से कश्मीर का भविष्य गुजरेगा। कश्मीरी मुस्लिम पत्रकार से, बशारत से मैंने पूछा, बशारत पीर से, कि क्या रिकॉन्सिलेशन या कोई क्या फिर से वो पुरानी चीजें हो सकती हैं, क्या बेहतर कश्मीर की संभावना है। तो उन्होंने एक झटके में कहा कि मैं वैसा भविष्य नहीं देखता, वो भविष्य के प्रति काफी निराशजनक है।
आपने अपने अनुभव से और अपनी इस पूरे रिसर्च में आपने क्या पाया? और मैं ये कुमार साहब से भी ये पूछना चाहूंगा कि आपकी उम्मीद कितनी है? ऐसा है कि इन्होंने किताब लिखी, इन्होंने जो वहाँ पर देखा, इन्होंने जो वहाँ पर ऑब्जर्व किया, वो आया बहुत सालों ने 90 से जो भी जर्नलिस्ट से जो भी कोई वहाँ आया उसने वहाँ पर जो भी कुछ देखा और उसके बाद उसको प्रोजेक्ट किया, 50% सही था, 50% गलत था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। हम वहाँ पे पिछले 4,000-5,000 साल से रहे, सारे कश्मीर, फिर उसके बाद कन्वर्शन हुआ, पहले कश्मीरी हिंदू, पहले मतलब बुद्धिस्ट थे, उसके बाद कश्मीरी पंडित थे, उसके बाद कुछ कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम। एक भाईचारा था, उस भाईचारे को आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकली इस तरीके से वेज किया गया कि उसका एक अल्टीमेट जो आउटकम हुआ वो 90 में निकला, और फिर हर एक ने अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। आप हैरान हो जाएंगे कि 90 में कश्मीरी पंडित का एग्जॉडस हुआ, और ये शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, जिसमें मैक्सिमम किलिंग की वो आज भी घूम रहा है, वो आज भी खुला है। क्या हम ये ना कहें कि किसी ने उसको स्पॉन्सर किया था उस वक्त? क्या ये ना कहेंगे हम कि हमारे साथ क्या हुआ उस वक्त? और वही आगे फिर किलिंग हुई, फिर मास एग्जॉडस हुआ, अब जो भी कुछ पॉलिटिकली हुआ, आज हमारी जो हालत है वो सोशल प्रॉब्लम है। एंड ये सोशल प्रॉब्लम कोई नहीं समझ पा रहा है, हम कश्मीर में समझ पा रहे हैं, बिकॉज 99.9% ऑफ द रिलेशंस जो कश्मीर में रहते हैं वो बाहर हैं, वो स्कैटर्ड है। हमारा जो एग्जॉडस हो रहा है वो अब एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। लोग सारे दुनिया में हैं मगर कहीं इकट्ठे नहीं। हमें ये नहीं मालूम बार कौन किसका रिलेशन हो, कौन किसका रिलेशन कहाँ रह रहा हो। और ये एक ऐसा कूट था, ये एक ऐसी एक रेस थी विच वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट वन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मगर इसको इस तरीके से तक पहुंचाया गया कि हम आज इस वक्त रह तो रहे हैं, इकोनॉमिकली वी आर वेल ऑफ, एजुकेशनली वी आर वेल ऑफ, बट सोशली वी आर नॉट। And the government has never taken, they have used us. And that usage jo hai wo aaj bhi chal raha hai. Kitni der, kisko hamari zarurat hai. Magar jahan tak main Kashmir ki baat karunga, hame aaj bhi ek bhai chara hai. We are living in that particular bhai chara. Relationship mein reh rahe hain, us relation mein reh rahe hain, उसी वजह से आज हम वहां है, अदरवाइज आई हैव नॉट बीन देयर। सो ये भी जो एक गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है, दैट परसेप्शन इज आल्सो टू बी चेंज्ड। गांधी जी ने यही किरण देखी थी, हो सकता है दिस विल बी फॉर ऑल ओवर इंडिया एंड होल ऑफ द वर्ल्ड, कि ऑल द पीपल शुड लिव इन ह्यूमैनिटी, शुड लिव इन लव, शुड लिव विद ईच अदर एंड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर द बेटर। So, इसका जो नैरेटिव है किताबों में आया, बाकी चीजें आया, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि आप भी आइए वहां, कश्मीर आइए, देखिए, और आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कश्मीर अल्टीमेटली है क्या। और बिल्कुल वही मुझे भी कहना था कि भाईचारे वाला प्रॉब्लम जो भाईचारा तो तब देखेंगे ना जब एक कम से कम मान लीजिए कि वहाँ कम से कम 2,00,000-4,00,000 या मान लीजिए 1,00,000 कम से कम कश्मीरी पंडित हो और मुस्लिम भी हो जितने मुस्लिम हैं, तब हम देखेंगे उनके बीच भाईचारा है या नहीं है। इतनी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है कि उसमें, और नेचुरली उतनी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी तो सिर्फ भाईचारे के भरोसे रह सकती है।
उतनी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी के पास तो भाईचारे के अलावा कोई और ताकत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल वो है जो कुमार साहब ने उठाया कि कश्मीरी पंडित लौटेंगे नहीं लौटेंगे। इस सवाल से भी बड़ा सवाल ये बन गया है कि एक लिंग्विस्टिक जो एक समाज था, वो कश्मीरी पंडित समाज है, उसका अस्तित्व क्या है आने वाले समय में? क्योंकि बाहर निकलते ही भाषा भूल जाती है, दूसरी पीढ़ी, मान लीजिए पहली पीढ़ी बोलती है, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक आते आते भाषा निकल जाती है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित साहब को यहाँ मिलेंगे जिनके बच्चे अब कश्मीरी नहीं बोल पाते हैं या घरों में कश्मीरी नहीं बोली जाती है। और भाषा सबसे बड़ी चीज थी कश्मीरियों को आपस में जोड़ने वाली। अभी भी आप जयपुर में बुलाया, अमित को बुलाया, जावेद शाह को बुलाया, तो मैं तुरंत गायर बन जाता हूँ, दोनों कश्मीरी में बात करने लगते हैं, मैं कान लगा के सुनता हूँ कितना समझ में आ रहा है। तो भाषा जिस तरह से वो जोड़ती है, वो भाषा हाथ से निकल जाती है। इंटरकास्ट मैरिजेज और बाकी सारी चीजें, संस्कृतियां उस तरह से निभाई नहीं जा सकती हैं जो वहां के रिवर्स पे या वहां के मौसम पे या वहां के जो वहां मिलता था उन चीजों पे जो निर्भर चीजें थी, वो आप यहां पे उस तरह से नहीं कर सकते। जैसे हम बिहारी यूपी वाले दिल्ली आ जाते हैं तो हम तो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि उसके बावजूद, और चूंकि गांव जाना आना लगा रहता है तो थोड़ा बहुत हमारा हो जाता है, लेकिन हमारे बच्चे भोजपुरी नहीं बोलेंगे और वो गांव से कभी नहीं जुड़ेंगे। तो फर्क सिर्फ इतना है कि यहां मजबूरी में निकलना पड़ा, एक अलग मजबूरी थी, एक अलग तरह का पॉलिटिकल माहौल था, हम अपने च्वाइस से लगभग निकले थे, अगर उसको च्वाइस कहा जाए तो। ये समस्या मुझे ज्यादा बड़ी लगती है, भाईचारे समस्या मुझे अभी लगता है कि बात करने वाली चीज ही नहीं। तब होगा जब लाख लोग कम से कम वहां फिर से वापस लौट के जाएं। भी करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, और उसमें आप ही अपना इनपुट दीजिएगा। आपने कश्मीर नामा के टाइम में भी आपने यंग जनरेशन और यूथ को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर रहा हूँ, 35-40, और आप वहाँ रह रहे हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी के भी यूथ के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे, आप जम्मू या दिल्ली में रह रहे हैं पंडित यूथ के साथ भी कर रहे होंगे, तो उनके जो कंसर्न, मतलब सिर्फ मैं उसको जॉब सिक्योरिटी मैं उस सेंस में नहीं कि मतलब एक भविष्य देखने का, क्योंकि कश्मीरी यूथ भी आप देख रहे हैं कि वो भी यूथ है, वो भी अपने क्राइसिस में है और डेफिनेटली पंडितों का क्राइसिस, तो उसको आप कैसे देखते हैं, यूथ क्या सोचा है? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चीज जो होता है दुख, मैंने जिंदगी में यह देखा है कि दुख का कोई मजहब नहीं होता है, दुख का कोई रिलीजन नहीं होता है। जो ये दुख की मोमेंट होती है वो आपको बहुत जोड़ती है, और वो दुख कश्मीरी पंडितों ने भी देखा और कश्मीरी मुसलमानों ने भी देखा, कश्मीरी सरदारों ने भी देखा, जो भी उस बहाव में रहा उसने वो दुख देखा, और उस दुख में जो आपका केयर टेकर होता है, आपको पता है जब सारी दुनिया आपको छोड़ती है तो फिर वो बंदे होते हैं जो आपके उस क्राइसिस मोमेंट में होते हैं, लाइक आने को तो सारे लोग आते हैं, पहले 5-6 दिन भाषण करके चले जाते हैं, उसके बाद जो जिंदगी होती है जो आपको गुजारनी होती है उसमें आपको वही लोग दिखते हैं जो होते हैं। ये प्रैक्टिकल अपनी एक्सपीरियंस रही है कि जब हमारे दादाजी की हत्या हुई तो तब मैं कुछ टाइम के लिए बहुत एंटी मुस्लिम हो गया था, मुझे ऐसा लगता था कि मुसलमानों ने मारा, लेकिन फिर जब मैं रहा कश्मीर में और वो 2 साल मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन सुबह से शाम तक मेरे मुस्लिम फ्रेंड मेरे साथ घर में रहते थे, और वो चीज 2 साल मुझे लगा समझने में कि नहीं, मारने वाले का कोई मजहब नहीं होता, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि डेफिनेटली दोनों कम्युनिटीज ने 30 साल में बहुत कुछ सहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कश्मीर तब तक कभी ठीक नहीं होगा जब तक ये दोनों कम्युनिटीज इकट्ठे मिलकर उसको ठीक नहीं करेंगी, ये कभी ठीक नहीं होगा, और उसके लिए हमें इन दोनों कम्युनिटीज को सामने लाना। जब मैं यंगस्टर से बात करता हूँ दोनों साइड्स के, वो इतने लॉजिकल हैं आज की डेट में, आप उनको कहानियां नहीं सुना सकते, आपको उनको हर किसी सवाल का जवाब देना है, वो 70s-80s की नहीं कि आप कहानी बना के उनको बोले। और जब भी मैं हम एक इनिशिएटिव करते हैं सलाम मारा करके, बिकॉज हमारे यहाँ शिवरात्रि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और उसके अगले दिन का नाम सलाम होता है, और सलाम इसलिए क्योंकि आपको कश्मीरी मुस्लिम सारे उस दिन ग्रीट करने आते हैं, और कश्मीरी मुस्लिम पंडित को विद रेस्पेक्ट बोलते हैं महारा, इन कश्मीरी महारा, तो वो सलाम महारा हम करते हैं। और हर साल मैं ट्राई करता हूँ कि कश्मीरी पंडित और मुस्लिम जो यंगस्टर्स हैं वो बैठ के उन 2 दिन बात करें, आपस में इंटरेक्ट करें, एंड आई कैन एश्योर यू आई सी लॉट ऑफ होप्स, मतलब हमारे यहाँ इतने यंगस्टर्स हैं, इतने ब्राइट और ब्रिलियंट यंगस्टर्स हैं दोनों कम्युनिटीज से, जो जानते हैं कि पास्ट में बहुत कुछ हुआ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि न कभी कोई प्लेटफॉर्म ये रखा गया जहाँ पीपल टू पीपल कनेक्ट हो कश्मीरी पंडित और मुस्लिम्स का, न कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रखा गया जहां आप एक दूसरे को सुने, बिकॉज 2 नैरेटिव हमारे यहाँ अक्सर एक प्रॉब्लम करते हैं जिससे एक कश्मीरी पंडित और मुस्लिम का टकराव होता है,
कश्मीरी पंडित को ये समझना कि सारे मुस्लिम शायद उस वक्त बंदूक उठा के चाहते थे कि वो जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। देयर वॉज अ परसेंटेज, वो एक परसेंटेज थी, लेकिन वो भी एक परसेंटेज है जिन्होंने हमें बचाया, जो माइग्रेट हुए उनका घर बचाया, जिनके बच्चे थे या उनको कोई सर्टिफिकेट्स लानी थी, कोई भी चीज़ थी, वो भी मुस्लिम्स ने की। इसी तरह से मुस्लिम्स का ये मानना कि शायद जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को बुलाया, वो नैरेटिव करेंगे आप तो कश्मीरी पंडितों को गुस्सा आता है, क्योंकि आप 200 करोड़ भी देंगे कोई अपना घर नहीं छोड़ता है। सो हमें ये दो चीज़ें समझनी है, और उसके लिए हमने कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं रखा जहाँ एक दूसरे को सुने। और जब भी हम, मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी एग्जाम्पल बताऊंगा कि अक्सर हमारा जो सत्यानाश किया ना, वो एक टीवी डिबेट्स ने किया है, 7 से 9 बजे तक कुछ चैनल्स, उनका तो काम यही होता है। और उसमें एक, जब एक कश्मीरी मुस्लिम एक कश्मीरी पंडित को सुनता है, यंगस्टर वहाँ बैठ के, उसको लगता है सारे पंडित ऐसे ही हैं। और जब एक कश्मीरी पंडित जो यहाँ बोलते हैं, राइट विंग होता है उनका थॉट प्रोसेस, वो जब बोलते हैं वो ये नहीं सोचते कि सोपोर या बारामूला में जो पंडित रह रहा है उसको उनका फेस करना है, उसको वहाँ पे उनको पता, क्योंकि दैट इज व्हाट द इंप्रेशन कैरीज। और जब कोई राइट विंग कश्मीरी मुस्लिम बोलता है तो उसका इम्पैक्ट सब पंडितों को लगता है कि सारे मुसलमान ऐसे ही, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारा लैंग्वेज एक ऐसा बाइंडिंग फैक्टर है जो एक ग्रोथ देगा एक चीज़ को, और हम सबको वो एफर्ट करना है। और अनफॉर्चुनेटली कोई और आने वाला है नहीं। मेरा इस स्ट्रॉन्ग मानना है कि जो हमारी जनरेशन है उन सबको अपनी धरती से इतना प्यार है, चाहे पंडित है या मुस्लिम है, और वो सब अपनी अपनी जगह चुपचाप से काम कर रहे हैं, बिकॉज अब हर किसी को पब्लिसिटी नहीं करनी आती है। और वही एक रीज़न है कि अभी भी आप देखेंगे कि आप कश्मीरी पंडित और मुस्लिम्स को साथ में बिठाए, ऐसे ही एक जो राइवल ग्रुप था टीवी पे, हमने उनको कश्मीर बुलाया, दोनों को, पंडित और मुसलमानों को, शाम को एक जगह बिठाया मैंने। मैंने बोला तुम गालियां दो एक दूसरे को जितनी देनी है, बैठो। आप इमेजिन नहीं करेंगे, पहले घंटे तो उन सब ने मुझे बोला तुमने मुझे बोला ही नहीं, ये यहाँ आने वाला था मैं नहीं आता। दूसरे ने बोला तुमने ये मुझे नहीं बोला। मैं बोला कोई बात नहीं, तुम एक दूसरे पे गुस्सा रखो। करते करते आई कुड सी कि उन सबको एक एक्सपेक्टेशन थी, और एक्सपेक्टेशन आपको अपनों से होती है। कश्मीरी पंडित को एक्सपेक्टेशन कश्मीरी मुसलमान से थी, और कश्मीरी मुसलमान को एक्सपेक्टेशन कश्मीरी पंडित से थी, और वो एक्सपेक्टेशन होता है लव। और उसके बाद जब उन सब ने एक डेढ़ घंटा इतना बहस की, और उसके बाद सब रोना शुरू हो गए, दैट वॉज द विन फॉर मी, बिकॉज प्यार ही सबको जीत सकता है। एक तो अभी थोड़ी देर पहले इरफान साहब से बात हो रही थी राज्यसभा टीवी के लिए, तो एग्जैक्टली मैंने वही कहा जो अमित बता रहे हैं, कि ये जो दो नरेशंस बनाए गए, एक नरेशन बनाया गया कि जगमोहन ने प्लान किया और फिर सबको बाहर निकाल दिया, और दूसरा नरेशन बनाया गया कि मुसलमानों ने एक दिन हथियार उठाया और सबको बाहर निकाल दिया। ये दोनों नरेशन इतने खतरनाक हैं, और इन नरेशंस का इतना ज्यादा यूज हुआ है। मेरा दुर्भाग्य यह है कि कश्मीर पर रिसर्च करने के लिए मुझे सारी किताबें जो लिखी जाती हैं लगभग पढ़नी पड़ती हैं, और उसमें नापसंद ज्यादा होती है लेकिन पढ़नी तो पड़ती है। तो इन दोनों ये दोनों नरेशंस इतने भयानक हैं, ये सच्चाई के लिए कोई जगह छोड़ते नहीं। और सच्चाई कश्मीर ही नहीं, सारी दुनिया के लिए सच्चाई हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं होती है। जो दो एक्सट्रीम्स हमेशा उन्हें सूट करते हैं जिनके पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, जिनको बाकी सारी राजनीति उसके आड़ में करनी होती है। तो इस तरह के तमाम नैरेटिव्स कश्मीर के बारे में, अब जितना अमित ने बोल दिया उसके बाद मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। आप उनको सुनते हुए समझ सकते होंगे कि जो नैरेटिव्स हमारे दिमाग में बरसों से लगे रहे, और मेरे भी अपने अनुभव हैं। जावेद शाह का मैंने नाम लिया, जावेद शाह यहाँ आए हुए थे जयपुर, हम लोगों को जाना था, तो मैंने बहुत जिद की कि मेरे घर पर रुको, नहीं यार मेरा दोस्त है उसके यहाँ रुकूंगा। वो दोस्त कौन था? जो कश्मीरी पंडित था जो 90 में माइग्रेट हो चुका था और यहाँ पर उनका परिवार था। तो सही बात है, मैं वो खाना भी नहीं खिला सकता, मैं वो भाषा भी नहीं बोल सकता, तो मेरे साथ एक लिमिट रहती है। 2 दिन वहां रुके रहे, तीसरे दिन मैंने जिद की कि यार कल सुबह निकलना, अब तो आ जाओ तुम लोग। तो वो दोनों फ्रेंड्स आए, तो मैंने जानबूझ के दोनों को छेड़ना शुरू किया उस जमाने के बारे में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एक समय मुझे लगा कि मुझसे गलती हो गई, बहुत टेंस सा माहौल हो गया, लेकिन दोनों रोए और फूट फूट के रोए। हल्का सा शराब का नशा था लेकिन दोनों रोए, और वो रोना कितना शुभ था आप समझ सकते हैं। तो मुझे उससे ज्यादा मेरे पास कुछ कहने के लिए है, वही कहना था मुझे। कश्मीर के इतिहास में जैसे 1947 एक रप्चर है बहुत बड़ा, और 90 है बहुत बड़ा रप्चर, मुझे लगता है कि 5 अगस्त भी एक वैसा ही एक रप्चर है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि वो किस तरीके से अनफोल्ड करेगा अभी हमें देखना है, इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। तो आपने अपने अध्ययन में और वहाँ आने जाने में कैसे देखा, और कुमार साहब से भी मैं जानना चाहूँगा कि पंडित कम्युनिटी या वो एज ए बुजुर्ग ब्लैक सोसाइटी, वो किस तरीके से 5 अगस्त को अंडरलाइन करेंगे।
था 5 अगस्त के बाद जो पहली फुर्सत मिली, उसमें पहली फुर्सत क्या, पहला जो चांस मिला कि निकल सके, पहले मैंने देखा और समझ में आया कि बड़े लोग जा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, आम आदमी पहुंच जाएगा दिक्कत नहीं होगी, तो गया मैं और 3-4 दिन था वहां पे और तमाम सारे लोगों से मिला और सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित से ही मिला। जैसे मैं बताऊं वहां मिसेस खेमलता वखलू हैं, मिसेस खेमलता वखलू वहां पे मिनिस्टर रही हैं एक जमाने में, फिर कांग्रेस में रही और सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो वहां पे ही रहती हैं, उनका इंटरव्यू किया। अमित से तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, कुमार साहब से मुलाकात उस समय हुई थी, संजय टिक्कू जो लीडर है उनसे मुलाकात हुई थी। तो पता नहीं 5 अगस्त उतना बड़ा रप्चर है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन रप्चर तो है, उतना बड़ा रप्चर है ये तो समझ में आएगा। और फिर उसके बाद मैं उन लोगों से मिला जो कश्मीरी पंडित नहीं थे, कश्मीरी मुस्लिम लोगों से मिला। तो एक चीज तो है, जैसे कि खेमलता वखलू ने कहा कि यार 370 हटाया इसको लेके मुझे कोई खास वो नहीं है, ठीक है ये तो अच्छा किया, ठीक है देखा जाएगा, लेकिन ये जो हमें उसमें बांट दिया, यूटी बना दिया, ये हमारा अपमान है। झारखंड जैसा जरा सा स्टेट है और आपने उसको स्टेट बना के रखा हुआ है, और हमारा जम्मू कश्मीर इतना पुराना है और बड़ा भी है, पॉपुलेशन भी है, आप इसको यूटी कैसे बना सकते हो? तो जो सबसे कम गुस्सा था वो ये दिखाई दिया। कुमार साहब तो अपना बताएं, कुमार साहब से मेरी लंबी बात हुई थी, कुमार साहब का उसको लेके अपनी तरह से सोचना था कि क्यों क्या होना है इसके आगे। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ कह सकता हूं कि जो संजय टिक्कू ने मुझसे कहा, संजय टिक्कू ने कहा कि ये जो कश्मीरी पंडित सेलिब्रेशन हुआ है बाहर, जो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हुआ है, वो लोकल जो यहाँ रह रहे हैं, और संजय टिक्कू के साथ मैं एक बात और बताऊं कि वो जिस इलाके में रहते हैं, बरबर शाह जिस इलाके में रहते हैं, और वो मेरे ख्याल से उन कश्मीरी पंडित में हैं जो लोअर मिडिल क्लास के कश्मीरी पंडित हैं, जिनके पास कोई बड़ी नौकरी या बड़ा इस तरह का कुछ नहीं है, तो जो उस पॉपुलेशन के बिल्कुल बीच में रहता है, या ऐसे ऐसे लोग जो एक गाँव में एक परिवार है या दो परिवार है, बोले इनके लिए बहुत अच्छा उन्होंने नहीं किया। वो अमित ने इशारा किया अभी कि जब आप यहाँ पर बहुत राइटिस्ट अपना उठाते हो तो उसका भुगतना वहां पर पड़ता है। दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्या को इस चीज ने अगले 100 साल के लिए उलझा दिया। तो मैं नहीं जानता हूं, मैं बार बार जहां भी मुझसे पूछा गया मैंने यही कहा कि मैं बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहा हूं, और बर्फ पिघलने में कई सारी चीजें हैं, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन की भी खबरें आई हैं, लड़कों के गायब होने की भी खबरें आई हैं, बहुत सारी आई हैं, तो एग्जैक्टली क्या होगा वो अनफोल्ड बर्फ पिघलने के बाद मार्च के बाद होगा, क्या होगा बाकी तो मेरे ख्याल से कुमार साहब बेहतर बता पाएंगे अभी के हालात में और बाकी से। ये जो 370 है और 5 अगस्त को जो हो गया और फिर यूनियन टेरिटरी बने, अगर आप इसमें थोड़ा इन डेप्थ चले जाएंगे, 370 है क्या? जो 370 में था वो अभी भी है। 370 में फर्स्ट सेक्शन जो है, दैट इज दैट यू आर पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, वो गया नहीं कहीं। उसके बाद उसमें थे कि चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, सदर रियासत, वो बहुत पहले का गया हुआ है, पॉलिटिकली इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज दिस इज अ लेबोरेटरी, कश्मीर इज अ लेबोरेटरी, और हर पॉलिटिकल पार्टी इसको वहां पे एक टेस्टिंग लैब के हिसाब से यूज करते। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वहां पे 5 अगस्त को कुछ ऊपर से नीचे हो गया, कुछ नहीं हुआ। वो यूनियन टेरिटरी बनी, वो कल को आपको बाद में फिर से वही यूनियन टेरिटरी को वापस स्टेटहुड बनाना पड़ेगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। मगर जितना जिस चीज को स्ट्रेच करें उतना वो फिर एक ना एक दिन उसका स्ट्रेच जो होता है, उसका जो जितना उसका वो स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ कट जाती है। हम 5 महीने हो गए नहीं रखेंगे मतलब इंटरनेट, और 5 साल नहीं रखेंगे इंटरनेट, फिर क्या होगा? लाइफ नहीं होगी। मगर क्या उसका कोई पॉजिटिव असर होगा? कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकली इस्तेमाल होगा, पॉलिटिकली पीपल विल यूज इट। वो हमें पहले से 47 से ही कश्मीर को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया, और आप आगे देखेंगे 2-3 दिनों में things will all together change, either in India or in Pakistan. मगर कश्मीरियों को सफर करना पड़ेगा। Kashmiris have suffered so far, और Kashmiris are still suffering. So for all over मतलब the people who are living in India, 370 union territory, all these things are just a temporary phase. Within another couple of months, you'll find the things. जितनी देर इसको मिल्किंग करेंगे ना, जितनी देर पॉलिटिकली पॉलिटिशियंस को इसकी जरूरत होगी, उतनी देर वो इस्तेमाल होगा। जिस दिन इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी,
ना 370 ही होगा कहीं और ना यूनियन टेरिटरी होगी। कुमार साहब ने कहा कि पहले भी लोग सफर कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। जब भी कोई कंफ्लिक्ट का या वार का सिनारियो होता है तो सबसे ज्यादा जो भुगतना पड़ता है वो विमेन को भुगतना पड़ता है, बच्चों को भुगतना पड़ता है। और मैं मैम से जानना चाहूँगा कि इतना दिन आप वहाँ रहीं और अब आपके लोग नहीं हैं वहाँ, कुछ गिने चुने लोग हैं, और आपने एक औरत के रूप में इस पूरी त्रासदी को कैसे देखा है और आगे कैसे देखती हैं? मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरे साथ तो सेम वैसा ही रहा, मुझे कुछ लगा नहीं कि मेरे साथ मतलब मेरे अपने नहीं है। जब मेरे आस पड़ोस के अपने ही मुस्लिम फ्रेंड्स वगैरह सब आई, सब ने बड़ा आदर सत्कार किया, मुझे प्यार से देखा। जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई तो मुझे संभालने वाला अपने रिलेशन में नहीं थे, बाद में वही लोग आए जिन्होंने हमें चारों तरफ घेर के रखा, हमारा हमें प्यार दिया, चाहे वो सरदार आए, चाहे अपने कश्मीरी पंडित है या चाहे कुछ मुस्लिम थे, लेकिन इतना प्यार दिया कि मैं मुझे तो लगा ही नहीं। जब भी आप मार्केट निकलो, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको वही रेस्पेक्ट वही वेलकम मिलता है। कोई नहीं आपको बोलता कि आप कश्मीरी पंडित हो। इवन ये भी हो गया जो अब इन्होंने पोस्टिंग की है कश्मीरी पंडितों की, वो तो इतना निडर होके घूमते फिरते हैं, उनको जरा भी डर नहीं लगता। बस वही अब वो लोग भी अपने आप फील कर रहे हैं कि हमने जो हमसे जो गलती हुई वो वही जो हमने कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाला, वो उनसे बहुत बड़ी गलती, उनको अपने जगह वो कुछ कर रहे हैं महसूस। लेकिन जो बाकी लोकल हैं उन लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो चाहते ही थे कि अब तो कई बार हम सब लेडीज बैठते कहते काश ही कश्मीर वही हो जाता जो 90 से पहले था, हम मिलजुल कर रहते थे, हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। हमें हो क्या गया, हमसे क्या हो क्या, कौन सी इतनी बड़ी गलती होगी जो हमें ये सजा हुई। कभी जोक्स में भी चलता है, जोक्स में उनको मैं ये भी बोलती हूँ, अगर कश्मीरी पंडित होते तो देखो ये 370 भी नहीं हटता, ये भी नहीं 35A भी नहीं आता। हम मैंने कहा 35A हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, ये गलत नहीं है कि 35A हट गया तो हम हमारी लड़कियों को तो इससे फ्रीडम बिल्कुल ही मिल गई ना, कि आप अपनी कम्युनिटी से भागकर जा शादी करो तो भी आप वारिस बन रहे हो। ये तो कम से कम ये थ्रेट था एक लड़की के लिए, लेकिन वो भी चला गया। अब मैं उनको भाई हम इसी पे नेचुरली जो प्यार हमें आपस में मिलता है तो वो तो मुझे नहीं लगता बाहर भी, मुझे जरा सा आप अगर कोई भी आपके दरवाजे पे आ जाए ना तो कोई गैर हो तो सामने वाले आके आते, क्यों ये आपके दरवाजे के आगे घूम रहा था, क्या बात है, उसको आके पकड़ेंगे, क्यों भाई तू क्यों घूम रहा है इनके दरवाजे के पास। तो वो ये सब कहा बाहर तो मैंने, यहाँ तो मैंने कहीं नहीं इतना देखा कोई किसी के साथ इतना पड़ोसी आपस में इतना लगाव है, वो मैं कहीं जो वहाँ प्यार मिलता वो मैं बाहर कहीं भी नहीं देखती। ये मेरा कहना कि जैसे वहाँ के लोग आपस में जितना मिलजुल के रहेंगे उतना अच्छा, चाहे आप किसी भी कोने में चले जाए, चाहे वो कोई भी हो, वो सब आपस में मिलकर रहे तो उस प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप चाहो तो प्यार ही सब कुछ, प्यार से आप जोड़ भी सकते हो तोड़ भी सकते हो, बस इसके आगे बात खत्म हो रही। मैं एक लाइन बस कहूंगा कि ये है कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, कश्मीरी जो मुस्लिम्स थोड़ा सा खुले दिल के हैं और ज्यादातर थोड़े खुले दिल के हैं, वो बात करते हुए ओवर प्रोटेक्टिव दिखाने का और जो सब कुछ होता है वो एक सेंस ऑफ गिल्ट मुझे बहुत साफ दिखाई देता है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जब आराम से बात करेंगे, पॉलिटिकल नहीं आप पर्सनल जब बातचीत शुरू करते हैं तो वो एक सेंस ऑफ गिल्ट है, और वो सेंस ऑफ गिल्ट बहुत पॉजिटिव है। काश ओवर पॉलिटिसाइजेशन की जगह पे सोशल कुछ हस्तक्षेप के द्वारा तो सबको सबको भरोसे में लेके, मैं से एक बात कहकर खत्म करूंगा कि 2 साल पहले मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, वो मैंने इंटरव्यू रखा हुआ है कभी यूज करूंगा उसको, तो बात होने लगी और जब बात खुली तो उन्होंने कहा यार अगर यहाँ शांति होती ना तो 5 साल बाद हो सकता है हम लोग खड़े होकर डिमांड करते कि 370 और 35 भी हटाओ, हमको नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो हमारे लिए इज्जत का मामला है, वो हटने का मामला मतलब ये कि आपने हमारा और अपमान किया, और जिस तरह किसी को भी साथ नहीं लिया गया, किसी से भी बात नहीं की, उसमें तो एक झटका था लगाई उसको अपमान की तरह पेश किया गया। मुझे लगता है कि हिंदी पब्लिक स्फीयर के पार्टिसिपेंट होने के नाते हम ये कर सकते हैं जम्मू और कश्मीर के लिए कि उसके बारे में जो भी डिबेट हो, जो भी विमर्श हो, वो थोड़ा इन्फॉर्म्ड हो, थोड़ी उसमें जानकारी हो, थोड़ा आराम से रुक के देखा जाए। वो 30-40 सालों से ये सब भुगत सकते हैं तो क्या हम 2-4 महीने किसी चीज़ पे सोच समझ के नहीं बोल सकते हैं? और मुझे लगता है कि उसमें अशोक की किताब हमारी बहुत शक्ति है, और आप सबका शुक्रिया। और बाकी कुछ पूछना होगा, समय नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो
कुमार साहब हैं, चलते चलते कुछ और सारी बातें भी हो सकती हैं। आप सबका धन्यवाद। सवाल लेना अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि इशारा हो रहा है कि अगर कुछ सवाल पूछ किताब अवेलेबल भी है खरीदने के लिए? किताब आ गई है, अवेलेबल है और आप उसे खरीद सकते हैं। और सवाल जवाब के लिए उज्जवल दा कुछ पूछ रहे हैं, माइक दो सुमन। मेरा सवाल अमित से है। एजेंडा 5 अगस्त क्या इसमें एट ऑल कश्मीरी पंडित कोई फैक्टर है? नंबर वन, इस सिलसिले में जिसको हम राइट विंग कश्मीरी पंडित कहते हैं वो सेक्शन, उसका क्या परसेप्शन? राइट विंग के बारे में तो राइट विंग वाले ही बताएंगे, मुझे पता नहीं। बट मैं इतना बता सकता हूँ कि सिंस हमारी पॉपुलेशन उतनी है ही नहीं कि आप वोट में आप किसी एक असेंबली सीट पे भी इफेक्ट, तो उनसे वैसे भी पूछा ही नहीं जाता। यहाँ तो मेजोरिटी जहाँ जिनको सीटें लेनी थी, जम्मू वाले, कश्मीर वाले, लद्दाख वाले, उनसे भी नहीं पूछा। आप आज की डेट में जम्मू में शुरू हो गया है कि रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स, रिजर्वेशन ऑफ लैंड एंड डोमिसाइल 370 वही था। लद्दाख वाले कह रहे हैं कि अब आप इसको ट्राइबल, ताकि बाहर वाला कोई लैंड ना ले वहां। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ जो भी एजेंडा था फॉर अ कम्युनिटी लाइक अस, उनपे कोई इम्पैक्ट नहीं, उल्टा हमें जो एक प्रिविलेज था, मतलब कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री हमें एक प्रिविलेज था उस स्टेट में, वो नहीं है। इस एजेंडा ने गवर्नमेंट का जो वो, क्या उसमें आपको कहीं कोई कश्मीरी पंडित फैक्टर दिख रहा? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इट इज जनरल, इट इज नॉट देयर। दादा कुछ दिन पहले एक पत्रिका के प्रोग्राम में आप राइट विंग की बात कर रहे थे, तो राइट विंग के जो प्रतिनिधि बनून कश्मीर के जो प्रतिनिधि वो हैं कश्मीरी पंडित, वो मेरे साथ थे डिबेट में, और मैंने भी यही सवाल उनसे पूछा फाइनली कि इससे आपको क्या मिला, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और एक सूचना यहाँ पर दे दूं कि जो पहली जॉब निकाली गई थी ग्रुप सी की, जो ऑल इंडिया सबके लिए थी, वो वहां के लोगों के विरोध की वजह से ही वो एप्लीकेशन जो निकला था, वो विज्ञापन वापस ले ली जी हाई कोर्ट में, वो विज्ञापन ही वापस लेना पड़ा। तो वो है तो उस तरह की चीजें। सर मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं सर रिटायरमेंट से पहले 14 साल गोवा में था, और तकरीबन 100 मैं रिटायरमेंट से पहले 14 साल गोवा में था तो तकरीबन 100 या 125 कश्मीरियों को जानता हूँ। एंड टोटली अगेंस्ट द जनरल परसेप्शन, हर कश्मीरी मुझे नहायत सच्चा, नहायत ईमानदार और नहायत देशभक्त मिला, और हर कश्मीरी ने मेरी मदद की जब जरूरत पड़ी, और मेरी नहीं, मेरे किसी साथी की, मेरे किसी पड़ोसी की मालूम होना चाहिए उसको कोई प्रॉब्लम है, वो पहुँचाते थे। उसने कश्मीरी मुसलमान भी थे, कश्मीरी हिंदू भी थे। अगर आप लोग किसी देना है मैं आपको एड्रेस दे दूँगा, आप चले जाइए बागा बीच पर, क्या इंटरप्राइज है, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप किसी स्टेट के हों, उसको नाम ही नहीं बताइए, वो मदद करेगा। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत कोई और सवाल? हाँ, आफ्टर रिमूवल ऑफ 370 मतलब कश्मीर ने 18,700 करोड़ रुपीज का लॉट देखा, और इसके अलावा फ्यूचर में भी ऐसे कई लॉटेज होंगे, तो क्या इसे गवर्नमेंट कभी फुलफिल कर पाएगी? गवर्नमेंट तो क्या फुलफिल कर पाएगी, मैं इतना ही बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त पिछले 5 महीने में 60,000 से ज़्यादा जॉब्स ले ऑफ हो गए, बिकॉज होटल्स का कोई बिजनेस नहीं है, रेस्टोरेंट्स का कोई बिजनेस नहीं, बिकॉज टूरिज्म पे है तो कोई टूरिस्ट आएगा नहीं, जब आजकल की डेट में आपको इंटरनेट नहीं होगा तो टूरिस्ट भी नहीं आता है, तो उसकी वजह से जो नौकरियाँ थी ऑलरेडी वो भी गई है, तो बाकी का तो पता नहीं। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी कहानी। जब कश्मीर में कश्मीर पे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरी बात होती थी, और मेरे दिमाग में कंसेप्ट ये था कि कश्मीर में टेंपल सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। जब मैं गया तो वहाँ ऐसे गांव में भी मुझे टेंपल मिले जहाँ एक ही फैमिली थी या दो ही फैमिली थी। आप लाल कृष्ण अडवाणी जी का एक इंटरव्यू पुराना है जिसमें वो बताते हैं, जिसमें वो कहते कहते कह जाते हैं कि खीर भवानी टेम्पल को उड़ा दिया गया,
खीर भवानी टेम्पल में गया हूँ और मौसम में गया हूँ, वहाँ पर जब मेला लगता है तो आज भी मुझे लगता है कम से कम 10,000 कश्मीरी पंडित देश भर से वहाँ इकट्ठा होते हैं। गणपति यार मंदिर आपको हवा कदल में अपनी जगह मिलता है, जिसको संजय टिकू और बाकी लोग अपने ऑफिस की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखो होता क्या है कि जो परसेप्शन बनाया जाता है वो एक्सट्रीम बना दिया जाता है, इतनी एक्सट्रीम चीजें होती नहीं है, है ना। आखिर जो परिवार वहां रह रहे हैं वो भी तो शिवरात्रि मनाते हैं ना, जो परिवार वहां रह रहे हैं वो है, तो इतना अगर एक्सट्रीम सब कुछ हो गया होता तो एक भी नहीं बचता, ये पक्की बात। हेलो, मैं अनिल भाई साहब, मैं 92 से कश्मीर रेगुलर जाता हूँ और आज 5 अगस्त को भी वहीं पर था। मैंने आज तक वहाँ पर ऐसा कोई नहीं देखा कि कोई स्टेट के अलावा कोई किसी को परेशान करे। मेरे रिलेशन भी हैं आज भी वहाँ पर कश्मीर को, मैं आज भी बेस्ट समझता हूँ कलेज। कश्मीरी पंडित भी मेरे दोस्त हैं और कश्मीरी मुसलमान भी मेरे दोस्त हैं, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। 92 से जा रहा हूँ, 5 अगस्त 2019 को भी वहीं पर, इसमें सबसे खूबसूरत बात यह थी कि स्टेट के अलावा कोई और परेशान नहीं करता। और मेरे अशोक पांडे जी ने जो किताब लिखी है मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कश्मीर के एजेंडे को उठाया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। किताब यहाँ पर उपलब्ध है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। किताब बिक्री के लिए राष्ट्रमंडल